सावन के इस झूले पर ना हम कार्तिक और नायरा को बिठाएंगे, वो दोनों साथ मिलकर सावन के इस झूले पर झूलेंगे। लेकिन पहले उन दोनों का मिलन तो हो जाए और उसके पहले नायरा को क्रिकेट से फुर्सत तो मिल जाए। वैसे सावन के इस मौसम में नायरा ने क्रिकेट बैट क्यों उठा लिया, कुछ समझ नहीं आई। ले छक्का, ले छक्का, छक्के छौके मार दनादन। आज तो नायरा फुल क्रिकेट के मूड में है और उनसे जीतना मुश्किल है, क्योंकि भले ही वो आउट हो जाए लेकिन वो बल्ला छोड़ने वाली नहीं। आज कार्डियो हो रहा है हमारा, आज हमारा कार्डियो डे है। हाँ, जब भी गैप मिल रहा था तो मैं क्रिकेट खेल रही थी। नायरा, अगर मस्ती पूरी हो गई हो तो अब काम पर चलें, जहां आज नायरा और आदित्य का भागम भाग चालू है, क्योंकि आदित्य के हाथ लग गया है नायरा का वीडियो, जिससे वो कार्तिक के सामने ये साबित कर देगा कि नायरा जिंदा है। तो वहीं आदित्य को रोकने के चक्कर में नायरा उसके पीछे दौड़ पड़ी और वो रास्ते में आई एक औरत से टकरा गई। इससे पहले कि आदित्य नायरा के हाथ से बचकर निकल पाता, नायरा को एक तरकीब सूझी और उसने रोड पर क्रिकेट खेल रहे लोगों की बॉल छीनकर आदित्य को दे मारी, जिससे आदित्य रोड पर ही धराशाही हो गए और उनका मोबाइल उनके हाथ से छूट गया और नायरा ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। आदित्य, उन्होंने नायरा को देख लिया है, वो कार्तिक को बता भी देते हैं, लेकिन कार्तिक उनकी बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि वो कार्तिक को कोई प्रूफ नहीं दे पाते। तो वो उनसे यही चीज़ कहते हैं कि मैं जब प्रूफ लाऊंगा तब तो तुम यकीन करोगे ना। तो बस वही आदित्य नायरा को चेज़ कर रहे हैं, वो नायरा का वीडियो बना लेते हैं, वो सीधा गोयनका जाना चाहते हैं, वहाँ सबको ये बताने कि नायरा ज़िंदा है। और एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप हिम। तो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रही हूँ, गिर रही हूँ, मतलब बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है। हाँ, बेसिकली उनको रोकने के लिए कि वो किसी को कुछ बता ना पाए। वो वीडियो आदित्य गोयनका जाते हैं वहाँ पे, सबको बताते हैं ये चीज़ कि नायरा ज़िंदा है और उनके पास प्रूफ है, और वो प्रूफ देते भी हैं, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ हो जाता है। नायरा, हम जानते हैं कि आदित्य का आपसे जीतना मुश्किल है, लेकिन वो भी कम जिद्दी नहीं, इसलिए आप जरा संभल कर रहिए, इस राह में खतरे अभी बाकी हैं। आज तक ब्यूरो।